अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू करंट ट्यूटोरियल्स। अच्छा, आज हम हाइब्रिड पैरामीटर चेक करेंगे जो कि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के केस में होंगे। अच्छा, चार हाइब्रिड पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। एक रेजिस्टेंस के लिए होता है, एक कंडक्टेंस के लिए होता है, एक वोल्टेज गेन के लिए है और एक करंट गेन के लिए, ठीक है। अब ये एच कैसे आता है ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखो, एच आई का मतलब है इनपुट वाली, ना एच आई आर हो जाएगा तो इनपुट रेजिस्टेंस, ठीक है। एच ओ का मतलब है आउटपुट, और आउटपुट कंडक्टेंस के लिए ओ सी इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। एच आर का मतलब होता है रिवर्स वाला, तो रिवर्स के केस में हम वोल्टेज गेन चेक करेंगे। एच एफ का मतलब होता है फॉरवर्ड वाला, तो उस केस में करंट गेन चेक करेंगे, ठीक है। अब अगर हमने एमीटर का चेक करना है तो यहां पे ई लिख देंगे, आई ई लिख देंगे, ओ ई लिख देंगे, आर ई लिख देंगे, एफ ई लिख देंगे। कलेक्टर का चेक करना है तो सी 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 और सी वाला लिख देंगे। इसी तरह बेस के लिए बी लिखेंगे, ठीक है। पहले इनको समझ लेते हैं। देखो, इनपुट रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस हमें तब मिलती है जब हमारा सर्किट कहीं ना कहीं से क्लोज हो। अब ओपन सर्किट की रेजिस्टेंस हमेशा इन्फिनिटी होती है, तो इनपुट की रेजिस्टेंस के लिए हम हमेशा आउटपुट को शॉर्ट सर्किट करेंगे, सही है। रेजिस्टेंस तब मिलती है जब हमारा कोई क्लोज पाथ हो, तो हम इनपुट की रेजिस्टेंस के लिए आउटपुट को शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। इसी तरह कंडक्टेंस, कंडक्टेंस उलट होती है रेजिस्टेंस का। जब रेजिस्टेंस का उलट होती है तो हमें उसके लिए अगर आउटपुट पे चेक करनी है तो हम इनपुट को ओपन करेंगे, क्योंकि इसका बिल्कुल ऑपोजिट साइड वाला हिसाब किताब होता है। कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, अगेंस्ट होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। अगर हमने वोल्टेज गेन चेक करना है, ठीक है, अगर हमने फीडबैक यानी कि आउटपुट साइड पे वोल्टेज गेन चेक करना है, तो वोल्टेज हमें मैक्सिमम कब मिलते हैं जब ओपन सर्किट हो, शॉर्ट सर्किट के वोल्टेजेस जीरो होते हैं। तो हमने फीडबैक वोल्टेज चेक करना है, आउटपुट वाले साइड पे वोल्टेज गेन चेक करना है, तो इनपुट को ओपन करना पड़ेगा। तो और इसी तरह करंट गेन, करंट हमें मैक्सिमम कब मिलता है जब शॉर्ट सर्किट हो। अगर हमने फॉरवर्ड साइड का करंट गेन चेक करना है इनपुट साइड का, तो हम आउटपुट को शॉर्ट सर्किट कर देंगे। ये आप अप्लाई करते हैं। अब देखिए, कॉमन एमिटर है, ठीक है, कॉमन एमिटर है, एमिटर जो है ग्राउंड है, और उसके बाद आगे देखते हैं एच आई ई, ठीक। एच आई का मतलब इनपुट वाली रेजिस्टेंस, ई एमिटर के केस में ई लिख दिया, एच आई ई, ठीक है, इनपुट एमिटर रेजिस्टेंस। हाइब्रिड पैरामीटर में देखो, यहां पे इसकी जगह की रेजिस्टेंस हमने चेक करनी है, तो आई इज इक्वल टू वी ओवर आर। यहां पे वोल्टेजेस क्या है, बेस वोल्टेजेस, और करंट क्या है, बेस करंट। तो एच आई इज इक्वल टू, आई इज इक्वल टू वी ओवर, देखो आर इज इक्वल टू क्या होता है, वी ओवर आई, है ना। वोल्ट आपने रेजिस्टेंस चेक करनी हो, आर इज इक्वल टू वी ओवर आई, ये इनपुट रेजिस्टेंस है ना, तो इनपुट रेजिस्टेंस के लिए वी ओवर आई कर, और यहां पे हमने इसकी आउटपुट को यहां पे शॉर्ट कर दिया, ठीक है ना। ये लिखा था ना, आउटपुट शॉर्ट सर्किट, तो आउटपुट को हमने यहां पे ग्राउंड कर दिया। एच आर ई, एच आर ई का मतलब है रिवर्स के केस में वोल्टेज गेन। एच आर ई यानी कि फीडबैक वोल्टेजेस गेन, या वोल्टेज गेन हमने चेक करना है तो इनपुट को ओपन करना पड़ेगा। इनपुट को यहां से ओपन कर दिया तो इधर से कोई करंट नहीं आ रही, ठीक है, इनपुट पे यहां पे कोई करंट नहीं आ रही। अब देखिए, वोल्टेज गेन क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज। यहां पे कलेक्टर के वोल्टेज जो है आउटपुट वोल्टेजेस हैं, इनपुट वोल्टेजेस बेस के वोल्टेजेस हैं, ठीक है। तो वी बी ओवर वी सी। अच्छा, एक चीज आपसे याद रखिएगा, अगर जब हम आउटपुट पर साइड पे कर रहे हैं ना, तो इसको हम नीचे रखेंगे ना, अगर हम इनपुट साइड पे रखते तो इसको हम नीचे रखते, जब आउटपुट साइड पे खड़े हुए हैं तो यहां से हम देखेंगे तो इसको हम इनपुट कंसिडर करेंगे, इसको हम आउटपुट कंसिडर करेंगे, क्योंकि अभी हम आउटपुट साइड पे खड़े हैं। आपके ध्यान में ये होगा ना कि इसको वी सी, क्योंकि आउटपुट वैसे जनरली यहाँ पे कलेक्टर पे लेते हैं, बेस पे इनपुट होती है,
लेकिन यहाँ पे तो हमने आउटपुट दी नहीं, यहाँ पे तो उसको ओपन कर दी, तो सारी सप्लाई यहां से फीड हो रही, तो इनपुट क्या होगी कलेक्टर के वोल्टेजेस और यहाँ पे आउटपुट क्या होगी बेस के वोल्टेजेस। तो आउटपुट बाय इनपुट गेन होता है वीबी बाय वीसी, इसीलिए लिखा। ठीक है, आप आगे देखते हैं एच एफ ई। ठीक है, एच एफ ई क्या होता है, एफ का ई का मतलब एमिटर हो गया, फॉरवर्ड करंट गेन। फॉरवर्ड करंट गेन के लिए आउटपुट को शॉर्ट सर्किट करना है, आउटपुट को शॉर्ट सर्किट कर दी। ठीक है, फॉरवर्ड गेन अब यहां से हमने खड़े होकर देखना है, फॉरवर्ड यहां से बीटा आई बी हमारी इनपुट है और आई सी क्या है आउटपुट है, तो आई सी ओवर आई बी हो जाए। आई सी और आई बी क्या होता है बीटा होता है। एच ओ ई, एच ओ ई मतलब आउटपुट कंडक्टेंस, आउटपुट कंडक्टेंस के लिए इनपुट को ओपन करेंगे, इनपुट को ओपन किया यहां पे कोई सप्लाई नहीं आ रही। अब देखिए यहां से इधर देखना है, ठीक है यहां से इधर देखना है, तो यहां से आउटपुट कंडक्टेंस, अगर रेजिस्टेंस फाइंड करनी होती है तो वी ओवर आई है, कंडक्टेंस फाइंड करनी है तो आई ओवर वी हो जाएगी। ठीक, इस तरह हमने ये पैरामीटर सारे कॉमन एमिटर के केस में किए। एच आई ई की ओम में होती है, वी बी और आई बी फाइंड किया। एच आर ई, ठीक है ये हमने जो वोल्टेज गेन था वो फाइंड किया वी बी बाय वी सी। एच एफ ई इसका करंट गेन है, गेन हमेशा यूनिट लेस होते हैं, आई सी बाय आई बी। एच ओ आउटपुट कंडक्टेंस, आई सी ओवर वी सी इसका उलट होता है ना, ये इनपुट पे है ये आउटपुट पे है। अच्छा ये कॉमन एमिटर के केस में हमने चेक की। ठीक है, अब देखिए कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर के केस में बी एस ए फाइंड कर सकते हैं। देखिए एक कॉमन बेस के केस में हम जब फाइंड करेंगे तो आई ई और आई बी निकालेंगे, इस तरह वी ई बाय वी सी निकलेंगे, आई सी बाय आई ई निकलेंगे, वी सी बाय आई सी बाय वी सी निकलेंगे। अच्छा इसमें सारी कंडीशन वही करनी है कि हमने सबसे पहले एक चीज फाइंड, रेजिस्टेंस फाइंड करनी है आउटपुट शॉर्ट सर्किट, कंडक्टर्स फाइंड करनी है इनपुट ओपन सर्किट, वोल्टेज गेन फाइंड करने हैं इनपुट ओपन सर्किट, करंट गेन के लिए शॉर्ट सर्किट। करंट मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट के केस में होती है, ठीक है ना, आपको रेजिस्टेंस मेजर ही तब करते हैं जब शॉर्ट सर्किट होता है, तो ये दो शॉर्ट सर्किट सिर्फ याद रख लें। या आप ये समझ लें कि कंडक्टर्स उलट होती है इसका, तो उस कंडक्टर्स के केस में ओपन होता है, कंडक्टर अपोजिशन होती है रेजिस्टेंस की। इसी तरह वोल्टेज, वोल्टेज हमने फाइंड करना तो मैक्सिमम वोल्टेज ओपन सर्किट के केस में मिलते हैं, तो ये सारे हम इस तरह फाइंड कर सकते हैं ना। कनेक्टर के केस में वी बी बाय आई बी हो जाएंगे, वी बी बाय वी ई हो जाएंगे, आई बी बाय आई ई बाय आई बी हो जाएंगे, वी ई बाय हो जाएंगे। क्योंकि देखिए कलेक्टर के केस में हम आउटपुट ले रहे हैं एमिटर के ऊपर, ठीक है यहाँ पे एमिटर के केस में आउटपुट हम कलेक्टर पे ले रहे होते हैं। तो आप करंट ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा, बाकी डाटा के लिए आप बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की प्लेलिस्ट देखिएगा।